अच्छा खाओ, ईमानदारी का खाओ, जितना पेट है उतना मालिक अपने आप देगा, किसी को भूखा नहीं सोने देता वो। अजगर करे ना चाकरी, पंछी ना करे काम, और दास अपने आप को जानना शेष बाकी है। तुम्हें अभी तक ये अनुभव हो रहा है कि मैं एक औरत हूँ, वो आदमी है, मैं बीवी हूँ, वो मेरा पति है, लेकिन जब तुम्हें ये अनुभव होने लग जाए कि मैं आत्मा हूँ, तब समझना कि अब तुम्हें अपनी असलियत पता लगी कि तुम क्या हो। ठीक है, चलो आ जाओ अपना मिशन के संग में। भाई जी आप रिक्शा ले रहे हैं ना, वो एक कागज पे अपने नंबर फोन नंबर लिख दें ताकि अगली रिक्शा जब होगी तो बुला सके। हमारा जन्म मिले जब ज्ञान प्रकट हुए तब भरोसा रखो मिलेगा, धोखा देने की जरूरत नहीं किसी को। और मेन चीज है कि अपने आत्मा के अलावा किसी को ना सत्य मानना है ना ही उसको निर्भर रहना है। यही मेन मेन चार पांच चीजें हैं जिस पे आपने अटल रहना है। अगर आप रह सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। और कोई व्रत नहीं रखना है, कोई करवा चौथ का व्रत या कोई भी ऐसा व्रत नहीं रखना है। करवा चौथ का व्रत क्यों रखते हैं? ताकि हमारे सुहाग जीवित रहे। करवा चौथ रखने के बाद वाला अखबार पढ़ लेना, जब करवा चौथ था ना उसके अगले दिन का अखबार पढ़ लेना, उसमें देखना लाइन से कितने लोग मरे पड़े, या किसी बड़े हॉस्पिटल में चले जाना दिल्ली में करवा चौथ वाले दिन या उसके अगले दिन, देखना कितनी लाशें निकल रही हैं। उनकी बीवियों को पूछना कि बहन तूने करवा चौथ क्यों नहीं रखा था, वो कहेगी मैंने तो रखा था पर आई को कौन टाल सकता है। यही बोलेगी वो कि जो लिखा है उसे कौन टाल सकता, जब लिखे को टाल नहीं सकता तो तुम ये करवा चौथ क्या कर रही हो। जब लिखा टलेगा नहीं तो तुम्हारे करवा चौथ का मतलब क्या रहा? या तो करवा चौथ रखने वालों के पति जीवित रहे, बाकी जितने भी मुल्ला जी हैं और सिख सरदार हैं और जितने भी ये सब निकल जाए, क्योंकि इनकी बीवियां तो करवा चौथ रखती नहीं, ये क्यों जिंदा हो गई, ये क्यों बूढ़े हो गए। तुम्हें लगता है मैं करवा चौथ नहीं रखूंगी मेरा पति निकल लेगा नाइट से, और वो बूढ़े बूढ़े कैसे बैठे हैं, फिर उनके पति क्यों नहीं मर गए बिना करवा चौथ के। ये सब भ्रम जाल है, इसको दिमाग से निकालना है। आत्मा सत्य है, आत्मा कभी नहीं मरती, शरीर छूटेगा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। करवा चौथ रखने का तो मतलब ये होता है तुम सीधे यमराज से पंगा ले रही हो कि चल लगा ले बेटा तेरे में कितना जोर है और मैं भी दिखा देती हूँ मेरे करवा चौथ में कितना जोर है। कहीं सीधे पंगा मत ले लेना, वो ले जाएगा कान पकड़ के उसको और तुम यहाँ चूड़ियां फोड़ती रह जाओगी। वो किसी की नहीं सुनता, जो समय आ गया आ गया, तुम्हारा करवा चौथ धरेगा धरा रह जाएगा। तो भ्रमों से बाहर निकलना है, तुम भी अमर हो तुम्हारा पति भी अमर है, दोनों में से कोई मरने वाला नहीं है, बस शरीर छोड़ना है। तुम छिलका हो या केला हो? तुम केला हो, तुम छिलका नहीं हो, बस इतना समझ लो। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, आत्मा अमर है, शरीर छिलका है, इसको उठा के डस्टबिन। देवताओं के राजा से बचाने के लिए पूरा पर्वत उड़ा लिया कृष्ण जी ने, तो कृष्ण जी ने जब देवताओं से हमें बचाया तो वो हमें कब कहेंगे कि देवताओं की पूजा करो? जब युद्ध ही देवता के राजा से हो रहा है तो वो हमें कब कहने लगे कि देवताओं की पूजा करो? अध्याय 7 पढ़ो, अगर किसी के घर में गीता पढ़ी है किसी के घर में गीता? अध्याय 7 पढ़ो, उसमें लिखा है जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो अल्प बुद्धि हैं, यानी छोटी बुद्धि है उनकी। देवताओं की पूजा करने वाले मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि देवताओं का पूजा करना ही मना है, निषेध है। किसकी पूजा करनी है? हे अर्जुन, आत्मा को जानो, आत्मा से बड़ा कोई नहीं है, आत्मा तो कोई चाहकर भी नहीं मार सकता। देवता को तो वैसे ही राक्षस दौड़ा लेते थे, देवताओं को तो राक्षस ही दौड़ा लेते थे, उनकी पूजा करके क्या मिलेगा?
आत्मा की पूजा करो। ये सब आत्मलीन हैं, जितने भी संत मुक्त हुए आज तक ये आत्मा में लीन हुए, किसी देवता की पूजा नहीं करते थे। तो इसलिए आत्म ज्ञान को जानो। आत्म ज्ञान दुनिया का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा ज्ञान है। तो जिसने भी आत्म ज्ञान में आना है तो अच्छी तरह सोच समझ के आए, फिर ये जितने भी देवी देवता पूजा पाठ है ये फिर नहीं करना है। ये पढ़ाई पूरी हो गई आपकी, दसवीं करने के बाद जब तुम ग्यारहवीं में चले जाते हो उसके बाद दसवीं में भी जाके बैठोगे क्या? नहीं बैठोगे। जिसने बारहवीं कर ली और कॉलेज में चला गया, अब क्या कॉलेज से वो छोड़ के बारहवीं में आके बैठेगा क्या? नहीं बैठेगा। यानी देवताओं की जो पढ़ाई थी वो पूरी हो गई, अब आत्मा की पढ़ाई जो करना चाहता है वो आगे बढ़े, लेकिन आगे बढ़ के वापिस नहीं आना है। यानी एक बार कॉलेज में चले गए तो चले गए, अब आगे पढ़ो, डिग्री करो, अब दोबारा पांचवी सातवीं में आओगे क्या, बैठोगे? तो उनकी जो भक्ति है वो नीचे लेवल की भक्ति है। और जो कृष्ण जी ने भक्ति बताई है आत्मा की भक्ति, अध्याय दो पढ़ो, अध्याय दो भरा पड़ा है आत्म ज्ञान से कि आत्मा को जानू, आत्मा ही सत्य, आत्मा के अलावा सब झूठ। अध्याय तीसरा पढ़ो, सत्रवां श्लोक, जो लोग आत्मा में रमण करते हैं, जो आत्मा में संतुष्ट रहते हैं, उनके लिए कोई अन्य पूजा पाठ लागू ही नहीं होता। कोई मंत्र नहीं जपना, कहीं नहीं जाना, किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाना, उठाओ उठाओ ले जाओ, जला दो इसको, दफना दो। तो प्रेम किससे किया था? शरीर से कि आत्मा से? आत्मा से। प्रेम आत्मा से था, लेकिन गलती से शरीर को आत्मा मान के बैठे हुए थे, शरीर को माता पिता मान के बैठे हुए थे। माता पिता को भी कोई जला देता है क्या? लेकिन यहां पर रीति यही है, मां मर गई मां को जला दो, बाप मर गया बाप को जला दो। भाई मां और बाप को तो तुम जानते नहीं कि वो है कौन। मां और बाप तो शरीर को चला रहे थे और वो शरीर को छोड़ के चले गए। छोड़ के जा रहे थे तो कैसे थे? गोरे थे, काले थे, कैसे थे? उसके शरीर को देखते रह गए। मेरी मां गोरी, मेरी मां काली, मेरा बाप गोरा, मेरा बाप काला। जिस शरीर में मां और बाप रूपी जीव आत्मा रह रहे थे उसको मां और बाप मानते रहे। जैसे मेरा मकान है, सामने बनाया है, काला पेंट करा दिया, अब मैं थोड़ी नहीं काला हो गया, मेरा मकान काला है। इसी प्रकार इस काले मकान में, गोरे मकान में एक जीव रहता है जो तुम्हारी मां और बाप है, जिसको तुम मां और बाप कह रहे हो, लेकिन तुम गलती से मकान को मां और बाप मान बैठे हो। मकान क्या है? ये शरीर मकान है। इस मकान को एक दिन छोड़ के चले जाओगे, मकान यही पड़ा रह जाएगा। जब गांव खाली करके जाते हैं तो मकान भी ले जाते हैं सिर पे लाद के, नहीं ले जाते तो क्या होता है? यहां पे खंडर पड़े हुए हैं, खाली मकान पड़े हैं, कोई आके इसको तुड़वा देता है, कोई इसको ढा देता है, फिर दोबारा नए मकान बन जाते हैं। इसी प्रकार ये मकान मिट्टी के कहां से बन रहे हैं? कहां से लाए हो ये मिट्टी का मकान? कहां प्राप्त किया इसको? कहीं पड़ा मिला क्या? देखो ये शरीर, ये कपड़े जो आपने पहने हैं, ये कपड़े कहीं मिलते हैं। कहां मिलते हैं? दुकान पे। दो तरह के कपड़े मिलते हैं, एक लेडीज एक जेंट्स। लेडीज कपड़े और जेंट्स कपड़े दोनों अलग अलग हैं। आप जाओगे दुकान पे, जी मुझे स्वेटर चाहिए, दुकानदार पहले ये पूछेगा बेटा लेडीज चाहिए कि जेंट्स चाहिए, यानी लड़कियों वाला चाहिए कि लड़कों वाला चाहिए। आप टी शर्ट लेने जाओगे तो वो पूछेगा लेडीज टी शर्ट चाहिए जेंट्स चाहिए। आप पैंट लेने जाओगे जीन्स, तो वो भी पूछेगा लेडीज जीन्स चाहिए कि जेंट्स चाहिए। इसी प्रकार जो हमारे शरीर है वो भी दो भागों में बटे हैं, लेडीज और जेंट्स। ये कपड़े तो हमें मिल गए दुकान पे, और ये वाले कपड़े हमें कहां मिले? मां के गर्भ में। मां के गर्भ में मिलते हैं ये कपड़े, लेडीज और जेंट्स। जब तक इसको नहीं समझोगे आत्मज्ञान समझ में नहीं आएगा। जैसे कृष्ण जी ने अर्जुन को बोला, हे अर्जुन तू और मैं ये शरीर नहीं है, तू और मैं
आत्मा हैं, शरीर तो हमारी आत्मा के कपड़े हैं। कपड़ों के खत्म हो जाने पर ये आत्मा खत्म नहीं हो जाती। तो कपड़ों के खत्म हो जाने पे आत्मा खत्म नहीं होती, बार बार इसी हड्डी के ढांचे में आना पड़ेगा, बार बार यही शक्लें, काली पीली गोरी, इन्हीं चमड़ियों में बार बार आना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए अब केवल और केवल एक ही रास्ता है, आत्मज्ञान। अब अपने आत्म स्वरूप को जान लेना है, और जो आपका आत्म स्वरूप है वही तुम्हारी माँ, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बेटी, तुम्हारे सारे रिश्तेदारों का आत्म स्वरूप है। वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। जैसे एक ही करंट पंखा बत्ती गीजर हीटर सबको चला रहा है, सबको, अमेरिका में जो पंखा घूम रहा है, जापान में जो पंखा घूम रहा है, वो भी उसी करंट से चल रहा है। तो करंट कैसा है ये जानने के लिए क्या हमें जापान जाना पड़ेगा, क्या हमें अमेरिका जाना पड़ेगा? नहीं, करंट कैसा है ये जानने के लिए हमें अपने ही पंखे में उंगली देके देख लेनी है, अपने ही स्विच में उंगली देके देख लो, तुम्हें यही पता लग जाएगा कि अमेरिका वाला पंखा कैसे घूम रहा होगा उसी करंट से। इसी प्रकार राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी या कोई और संत, जितने आप पूजा कर रहे हैं किसी की भी, उन सबकी आत्मा को जानने के लिए केवल एक आत्मा को जान लो, यानी अपनी आत्मा को जान लो। तो वही तुम्हारे मम्मी की आत्मा है, वही तुम्हारे पापा की है, वही सबकी एक जैसी है सबकी, तो उसी को समझना है बस। अब हम आत्म ज्ञान में आ गए हैं, अब हम शरीर के ज्ञान से ऊपर उठेंगे। अब शरीरों में नहीं उलझना, ना ही कभी झगड़ा करना है कि राम बड़े कि श्याम बड़े, हनुमान बड़े कि अल्लाह बड़े, इस चक्कर में नहीं रहना है। अब केवल आत्म ज्ञान में रहना है। चलो अब प्रसाद बांटो, जितने भगत है सबको प्रसाद बांटो। दूसरी दीक्षा वाले कौन है, कोई है क्या? अच्छा, आपने प्रथम दीक्षा कहाँ ली थी? एटा में, हाँ जसवंत नगर में। ओके, कितना टाइम हो गया अभी? हो गए 6 महीने। इसको वैसे ही इकट्ठे कर दो, खत्म करो, या बाल पे चाकू चलवा लो। किस पे चलवाना चाहोगे? चाकू तो चलेगा, कौन सा आसान है सेना? कोई तुम्हारे खाल काटे या तुम्हारे बाल काटे, कौन सा आसान है? बाल आसान है, किसी हीरोइन को गंजी करके देखना, बताएगी बाल आसान है, उनको बाल भी प्यारे प्यारे हैं भाई। कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो खाल खा लो या बाल खा लो। बाल खाओगे बाल देने पड़ेंगे, खाल खाओगे खाल देने पड़ेंगे, और भरना केवल पेट है। तो इसलिए मच बेटर है कि भैया बाल ही ठीक है, बुढ़िया के बाल आते ना बेचते हुए, जितने मर्जी खाई चलो कोई पाप नहीं लगता, लेकिन मुर्गी बकरी खाओगे तो हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि वो मरते मरते तुम्हें बद्दुआ देगी। कभी देखो बकरी को काटते हो कैसे तड़पती है, कैसे छूटने को भागती है कि बस एक बार कोई मुझे बचा ले, तो क्या वो तुम्हें आशीर्वाद देगी? तुम्हारी इतनी बद्दुआएं देगी कि जैसे मुझे मार रहे हैं ऐसी ये भी मरे, फिर वही आ जाती है तलवार लेके अगले जन्म में, फिर तुम्हारी बलियां देगी वो, कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए मुर्गी बकरी ये जितनी भी खाल वाली चीजें हैं इसको नहीं खाना है, ये हमारा नियम है, कोई मजाक नहीं है, नियम है ये। खाल वाली चीजें नहीं खानी है, बाल यानी पेड़ पौधे, जैसे हमारे सिर पे बाल उग गए, हाथों पे रोए उग गए, मूछे दाढ़ी उग गई, ऐसी धरती पे ये बाल उगते हैं, इन बाल को काटो, कभी भी तुम्हें ऐसे नहीं होगा कि मैं बचूं, जहां मर्जी काट दो खड़े खड़े, ऐसे ही इन पेड़ों को जब मर्जी काट दो, ये कभी तुम्हें नहीं मारने वाले। खोद खाद धरती सहे कांट छांट बन राए, यानी ये पेड़ पौधों को जितना मर्जी काटते रहो हैं जीवित, क्योंकि ये भी बढ़ रहे हैं तुम्हारी तरह, छोटा सा पेड़ लगाया था देखो बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, और एक छोड़ो बच्चे भी पैदा कर रहा है, एक आम से दूसरा आम, दूसरे आम से तीसरा आम, बच्चे भी पैदा कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा है जैसे जानवर करते हैं, वैसी क्रियाएं नहीं कर रहा है जैसे जानवर करते हैं। इसलिए ये आते हैं हमारे बालों की श्रेणी में, और जानवर आते हैं हमारी खाल की श्रेणी में। तो हमने खाल पे दुख नहीं देना है किसी को, वरना हमें भी सहना पड़ेगा।
भीष्म पिता माने क्या किया था, एक सांप को, केवल एक सांप को झाड़ी में फेंक दिया था बचाने के लिए, उसको भी मारा नहीं बचाने के लिए, लेकिन पलट के देखा नहीं, बेचारा कांटों में सांप उलझा पड़ा रहा। उसकी वजह से भीष्म पिता मां को गंगा में मेरे कर्म कट जाएंगे, उसका अपना बच्चा तो काट नहीं पाई, अपने बच्चे के कर्म तुम्हारे क्या काटेगी। गंगा पुत्र था भीष्म पिता मां, इच्छा मृत्यु थी कि जब मैं चाहूंगा तब मरूंगा, नहीं तो आज भी जिंदा होते हो, इच्छा मृत्यु, उसको भी मरना पड़ा कर्मों की वजह से। तो कर्मों को सुधारो, कर्मों को बिगाड़ो मत। तो हमारे यहां सबसे पहले तन शुद्ध में मीट मांस अंडा नहीं खाना है, नशे नहीं करने हैं, उसके बाद किसी की पूजा नहीं करनी है, किसी भी शरीर की, किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं करनी है। पूजा के लिए हमारे यहाँ केवल एक ही है, वो है गुरुदेव। गुरु की पूजा करनी होती है, वो भी शरीर की नहीं, आत्मदेव मान के। गुरु को आप आत्मदेव मान के पूजो, गुरु को शरीर मान के मत पूजो। शरीर मान के पूजोगे तो पता लगा एक दिन गुरु जी भी मर गए, फिर कहोगे हमारे गुरु जी मर गए। गुरु कभी नहीं मरता, गुरु आत्मा है, गुरु शरीर नहीं है। और चेला भी कभी नहीं मरता, चेला भी आत्मा है, चेला शरीर नहीं है। शरीर तो तुम एक दिन छोड़ दोगे, इसकी तरह ये केला मार्केट में जाते हैं लेने, क्या देख के लाते हैं इसको, इसका छिलका देख के लाते हैं, हरा है कि पीला है, पीला पीला है बढ़िया लेके आ गए, लेकिन ये पीला पीला जिसको देख के लाए थे उसको खाया कभी किसी ने, इसको खाया जिसको पसंद करके लाए थे उसको खा के देखा नहीं, और कहां गया वो, चल डस्टबिन में, और खाया क्या जो दिख नहीं रहा है, जो दिख नहीं रहा उसको खा रहे हैं, और जिसको देख के लाए थे उसको फेंक रहे हैं। इसी प्रकार ये जो काया दिख रही है ये कहां जाएगी, डस्टबिन में, और जो दिख नहीं रही है आत्मा, वो है असली चीज, उसको खा के आनंद आएगा। तो छिलके खा के जिसको मजा आएगा वो छिलके खाओ, और जिसको केला खा के मजा आएगा वो केला खाओ। तो हमारे यहाँ छिलके नहीं खिलाते, हमारे यहाँ केला खिलाते हैं। छिलके को डस्टबिन में फेंक दो, यानी अब किसी भी मूर्ति की, किसी की भी पूजा नहीं करनी है, आत्मा को जानना है, असली चीज को जानना है, और क्या है, झूठ नहीं बोलना है। जैसे परिवारों में लड़ाई करवाने के लिए दुनिया भर के तमाम झूठ बोल देते हैं लोग, ये काम नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, सच सच पे चलो, और जुआ नहीं खेलना है। पता लगा तुम सट्टे लगा के बैठे हुए हो, दे ताश पे ताश, दे ताश पे ताश, और घर बर्बाद।